तो आप सभी एक नेट एस्पिरेंट हैं और आप देश के फ्यूचर डॉक्टर होने वाले हैं, यानी कि कल आप MBBS करेंगे और उसके बाद आप PG कर एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस भी करेंगे। सभी MBBS एस्पिरेंट के लिए, सभी नेट एस्पिरेंट के लिए NMC ने एक गाइडलाइन जारी किया है जिसमें उसने MBBS के अपकमिंग ईयर्स में क्या चेंजेस होने वाले हैं उन सभी बातों को पब्लिश किया है। आप सेल्फ से चाहे देख सकते हैं, आपको NMC की जो ऑफिशियल साइट है NMC.org.in, इसी ऑफिशियल साइट पर आपको हर एक अपडेट मिलती है NMC की तरफ से। NMC क्या है इसको भी समझते हैं। NMC जो है नेशनल मेडिकल कमीशन, जो कि इंडिया में मेडिकल सर्विसेज को रेगुलेट करती है, चाहे वो MBBS सीट्स को इंक्रीज़ करने की बात हो, MBBS एडमिशन की बात हो या फिर कुछ अदर चीज़ें हों। अब क्या चेंजेस हुए हैं मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। देखिए, पहले चीज़ तो NMC ने क्लियर कर दिया है कि आपको पता है कि MBBS की ड्यूरेशन होती है वो 54 मंथ की होती है, इंटर्नशिप 1 ईयर की होती है, ठीक है। तो वो सब NTA ने क्लियर किया है। चेंजेस में जो न्यू NTA ने क्या किया है कि NTA एक ID कार्ड, एक ID जनरेट करेगा जिसमें आपके नीट एग्ज़ाम से लेकर, यानी आपके नीट एग्ज़ाम में कितने नंबर्स थे, फिर आप किस कॉलेज से MBBS कर रहे हैं, वहाँ पर आपका क्या परफॉर्मेंस था, ईयर वाइज आप कभी बैक तो नहीं लगा था, आपने कैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, कितने नंबर्स आए, सारा डिटेल। उसके बाद फिर जब आप नीट PG के लिए जाएंगे उसका डिटेल, आपके इंटर्नशिप का डिटेल, और जब आप PG डॉक्टर बनकर निकलेंगे तो एक कंप्लीट डिटेल आपकी ID में मिल जाएगा। यानी अगर कोई व्यक्ति ये जानना चाहता है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आप किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, तो एक ID से आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन NMC सभी को प्रोवाइड करा देगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, NMC ने एक चीज़ और क्लियर कर दी है कि वह जो बच्चे अब्रॉड से MBBS करके आएंगे तो उनको 1 ईयर का जो है टेम्पोरेरी लाइसेंस मिलेगा, और उसके बाद जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे नेक्स्ट एग्ज़ाम, उसके बाद आप परमानेंट डॉक्टर बनेंगे। सेम रूल इंडिया में भी लागू होगा। आप जब जो है अपनी MBBS की पढ़ाई कंप्लीट कर लेंगे तो आप 1 ईयर के लिए रजिस्टर्ड तो हो जाएंगे आपका जो स्टेट मेडिकल कमीशन होगा वहाँ पर, लेकिन परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। NMC ने भी क्लियर कर दिया है कि MBBS हो चाहे इंडिया या अब्रॉड, आप कहीं से भी करके आएंगे तो आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम क्लियर करना कंपलसरी है। इसके लिए भी NMC ने ऑफिशियल गाइडलाइन पब्लिश कर दी है और अपकमिंग ईयर से जो है इसका एग्ज़ाम स्टार्ट भी हो जाएगा। 2023 में जो है पहला नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है, सो प्लीज़ बी केयरफुल, ठीक है। काफ़ी लंबा जो है गाइडलाइन NTA ने एक्सप्लेन किया है, मैंने इन शॉर्ट आपको जो आपकी काम चीज़ें थी सब कुछ बता दिया है। अगर आप चाहते हैं इस पूरी PDF को डाउनलोड करना जो मैंने बताया है, तो आप NMC के साइट पर जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर उसने NTA ने पूरी गाइडलाइन दे दी है, सारी बातें बेसिकली यही हुई, क्लासेस कैसे लेनी है, क्या ड्यूरेशन होगा, इंटर्नशिप कैसे होगा, MBBS इंग्लिश में होगा, हिंदी में, जो कुछ भी है ये डिटेल दी, बाकी आपको स्पेशल कुछ नहीं है, ठीक है। सो इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में इतना ही। आई होप गाइस कि आपने NMC के नए पैटर्न को समझा होगा। अगर अभी भी कोई सवाल है पैटर्न को लेकर तो आप प्लीज़ कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे कि आपको हर एक चीज़ क्लियर शब्दों में एक्सप्लेन कर पाएँ, ताकि आप बेफिक्र होकर नीट की प्रिपरेशन करें, MBBS करें और देश के फ्यूचर डॉक्टर बनकर देश की सेवा भी कर पाएँ। सो इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।